नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कुमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः यस्मिनेदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बारत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च दोयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया।
हे भगवान तद रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये। मैं तुम्हारे वास्तविक स्वरूप जो उत्पत्ति रहित है, निर्गुण निराकार है, जिसका न कोई जन्म है न कर्म है, निर्गुण निराकार है, एक अद्वितीय है, उस रूप को जानना चाहता हूँ। क्योंकि सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों ही आपके ही रूप हैं। जैसे अग्नि सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है, एक दारुगत देखिए एको पावक युग सम ब्रह्म विवेको। अग्नि जो व्यापक है, एक अद्वितीय है, वो निर्गुण निराकार है, ना तो उसमें कोई उष्ण गुण है, गर्म गुण है, न कोई आकार है जो देखने में आवे। व्यापक अग्नि अव्यवहार्य, कोई व्यवहार नहीं उसमें, निर्गुण निराकार एक अद्वितीय है, उसमें कोई व्यवहार नहीं। और सगुण साकार अग्नि जब प्रकट होती है किसी उपाधि में, क्योंकि सगुण साकार अग्नि तो किसी उपाधि में ही प्रकट होगी, तो काष्ठ कोयला ईंधन में प्रकट होती है तो उसका गुण देख लो, उष्ण गर्म गुण, भोजन बना लो पक जाएगा, सर्दी लगी है ठंडी लगी है ताप लो सेक लो हाथ, ठंडी दूर हो जाएगी, उसका उष्ण गुण है गर्म, ठंडी को हटा देगा, भोजन पका देगा। दीपक रूप उपाधि में वही जलेगी, घर का तुम्हारे अंधकार दूर कर देगी, घर की सब वस्तुएं यथातथ ज्यों की त्यों दिखाई पड़ेंगी, पूरा ज्ञान होगा। और वही अग्नि सूर्य में प्रकट होकर के ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती है, ब्रह्मांड की सब चीजें सबको दिखाई पड़ती हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, घोर अंधकार में तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता, पांव कहाँ रखें, गड्ढा है कि कंकड़ है कि सांप बिच्छू पड़ा, ये भी नहीं दिखता, कुछ काम नहीं होता अंधेरे में। तो सगुण साकार अग्नि सूर्य में प्रकाश प्रकट होकर ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, सारा ब्रह्मांड उससे लाभ उठाता है। घर में दीपक में प्रकट होकर घर के लोगों को अंधकार दूर करके सब वस्तुओं को दिखाती है, तब सब लोग अपना अपना काम करते हैं। और ईंधन में प्रकट होकर के उसके उष्ण गुण से भोजन आदि बन जाता है। सब काम संसार में सगुण साकार अग्नि से होता है, निर्गुण निराकार अग्नि से कुछ भी काम नहीं होता। पास में माचिस जेब में पड़ी है, ठंडी भी लग रही है, भोजन भी नहीं तैयार हो रहा है, जेब भी नहीं जलती है, कुछ नहीं होता। पर ये सबको निश्चय है कि निर्गुण निराकार अग्नि है जरूर। हम माचिस खिंचा के प्रकट कर सकते हैं दीपक में, ईंधन में, ये सबको मालूम है। ऐसे ही सज्जनों, निर्गुण निराकार ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसे कोई भी व्यवहार नहीं है। और सगुण साकार ब्रह्म में सब प्रकार का व्यवहार है, संसार भर के भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, उनका जब अवतार होता है तो किसी एक भक्त के लिए ही नहीं होता है। सगुण साकार भगवान का अवतार अभी आप सुनी रहे थे, ऋषि मुनि गंधर्व देवता सब दुखी होकर, ब्रह्मा के सबको दुख था, सबको संकट था, और ये सब भक्त लोग हैं भगवान के, देवता लोग और ब्रह्मा जी भी, अब इनकी इच्छा के लिए भी तो आकाश वाणी हो कि धरो धीर, धीरज धरो, मैं आ रहा हूँ और तुम्हारा दुख दूर करूंगा। और इधर पुत्र रूप से दशरथ ने भी वरदान मांगा था, तो भी इनकी भी इच्छा पूरी करना था, वरदान पूरा करना था, काम तो बहुत करना है ना,
कि खाली अयोध्यापुरी में पूरे जीवन रहना है, इन देवताओं का ऋषि मुनियों का काम नहीं करना क्या? अभी सारे संसार के काम के लिए भगवान आते हैं, कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी। उधर नारद ने साप दिया था तो उसको भी पूरा करना है। एक निमित्त नहीं है सज्जनों, हरि अवतार हो जे हेतु इदमित्थम कह सके न कोई, इसलिए और इतना ही, इसकी ऐसा नहीं कोई कह सकता है। तो अनेक प्रकार से भगवान के अवतार होते रहते हैं और सबका काम भगवान पूरा करते हैं। कोई अधिकारी का जब दौरा होता है कोई गांव में नगरों में, तो हजारों दरखास्तें होती हैं। अरे एक का काम किए, फिर उस वहां से चल दिए, दूसरे का काम किए, तीसरे का काम किए, सबका काम करके फिर अपना वापस चला जाता है दौड़े से। कोई भी अधिकारी पुरुष वो एक ही का काम करने थोड़ी आते। ऐसे ही भगवान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, पूर्ण संसार के राजा है, उनका दौड़ा इस संसार में जो होता है तो अनेकों दरखास्तें हैं, एक दो थोड़ी नहीं, सब देवताओं की, पृथ्वी की, गांवों की, ऋषि मुनियों की, इधर दशरथ जी की भी दरखास्त है, पचासों दरखास्तें हैं, पर सबका पूरा करके फिर अपने धाम में लौट जाना है। तो सज्जनों, हनुमान जी पूछते हैं कि भाई हमारा भी काम पूरा करो, हम भी आपकी भक्ति करते हैं, हम यही चाहते हैं कि अब जन्म मरण जो हुआ सो हुआ, अब जन्म मरण के दुखों से बचा जाए। तो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जान लेने से, जिसमें कोई व्यवहार नहीं है, न जन्म है, न मरण है, न देह इंद्री मन बुद्धि प्राण है, कुछ नहीं है, तो वह हमें दुख काहे कहोगा फिर? जब देह इंद्री मन बुद्धि है तब इनको दुख है, नहीं फिर दुख कहाँ है निर्गुण निराकार ब्रह्म में? वो तत्व मैं चाहता हूँ, मुझे यही इच्छा है। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से राम जी ने कहा, देखो भाई ये हनुमान हमारे परम भक्त हैं, और भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही हमारा अवतार भी हुआ है, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है भगवान के अवतार का। तो कहा रक्षा दुष्टों से कैसे होगी? कहा उनको मारना पड़ेगा, पहले समझाएंगे और नहीं मानेंगे तो मारेंगे। तो कहा भगवान के तो ये विध जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते अखिल विश्व या मम उपजाया, तो सब पर मोर बराबर दाया। देवता दैत्य असुर और पशु पक्षी और मनुष्य सब मैंने पैदा किया है, इसलिए सब पर मेरी बराबर दया है। तो एक को बचाना और एक को मारना, दुख देना, क्या ऐसा संभव हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं ये सब मेरे को प्यारे, क्यों? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। अरे मेरी संतान है, यदि राक्षसों को भगवान नहीं सुख देंगे तो कहेंगे तुम हट जाओ, तो राक्षस लोग ये कहेंगे जैसे हैं तैसे तुम्हारे हैं, तुम फिर नालायक हमको क्यों पैदा किए हो जब तुम ही माता पिता हो? लायक लायक पैदा करना चाहिए था, रावण आदि ऐसा कह सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप की राज के धन के अधिकारी तो जबरदस्ती बन जाएंगे, मुकदमा होगा तो भी बाप हार जाएगा। सही बात कहता है भाई, अंडाचन नालायक है तो पैदा तो तुमने किया है, लायक पैदा करते, इसलिए जैसे हैं तैसे हैं तुम्हारे, या अथवा ये कह दो तुम हमारे नहीं, हमने नहीं पैदा किया, तो कैसे कह सकता है? आजकल भी कोई नालायक लड़का माँ बाप की धन का घर का सबका अधिकारी हो सकता है, मुकदमा बाप हार जाएगा।
कह नहीं सकता कि मेरा लड़का नहीं, कहता है मेरा लड़का है पर नालायक है। तो लड़का कहता है, जवाब देता है, भाई तुमने ही पैदा किया है, जैसा है तैसा है, तुम्हारा है, तुम्हारे राज धन सबका मैं अधिकारी हूँ। अस्तु, तो भगवान ने ये काम भी पूरा किया है, उनको अपने धाम में भेजा है। किनको? जो साधुओं से विरोध करते थे, साधु भी भगवान के लड़के और असाधु भी भगवान के लड़के, तो उनको मार करके कहाँ भेजा? चार चांटे लगा दिए और कहा चलो घर में विश्राम करो। बस ये लड़के भी खुश हो गए जो सताए जा रहे थे, और उनको अपने धाम में भेज दिया। हजारों बरस ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तब भगवत धाम को कहीं पाते हैं, इनको लड़ाई लड़ने से ही वही धाम मिल गया, मुक्त हो गए। देखिए सज्जनों, है राम रावण का युद्ध हुआ, दोनों दल के लोग मारे गए। अंत में राम ने देखा दोनों दल के लोग मारे गए, हमारे दल के भी भालू बानर बहुत मरे पड़े हैं, तो इंद्र से कहा कि तुम जाओ अमृत की वर्षा कर दो, तो ये सब हमारे भालू बानर जी उठे। इंद्र ने कहा हाँ ठीक है, तो इंद्र गया आकाश से अमृत की वर्षा कर दिया। तो सुधा दृष्टि भाई दो दल माही, और जिए भालू का भी और निश्चर नाही, भालू और कपि तो जी उठे और निशाचर न जिए। और शंकर जी ये कथा पार्वती जी को उमा को सुना रहे। उमा ने कहा हे प्रभु हे नाथ, क्या अमृत को भी विषमता समता न देखी गई अमृत में? अरे जिलाती तो सबको जिलाती, अमृत तो जिसके मुख में चला जाए जिसके ऊपर पड़ जाए उसको जीना चाहिए, ये क्या भालू बानर को जिलाए और राक्षसों को नहीं जिलावे? ऐसी विषमता अमृत में क्यों? तो समाधान सुनो, शंकर जी कहते हैं कि लोक में जो एक संत महात्मा ज्ञानी है तो रामाकार ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं तब वो ब्रह्म रूप मुक्त होते हैं। तो रामाकार भय तिनके मन तो मुक्त भय छूटे भव बंधन। उनके मन रामाकार हो गए थे, जो संत महात्मा यति लोग समाधि में अपनी वृत्ति को रामाकार बनाते हैं, माने राम रूप सच्चिदानंद रूप मैं हूँ, राम रूप मैं हूँ, अपनी बुद्धि की वृत्ति को राम रूप बना दिए, तो उनके सबके मन असुरों के रामाकार हो गए थे, तो मुक्त हो गए। जन्म मरण भव बंधन, जन्म मरण का बंधन सदा के लिए छूट गया। कैसे दयालुता है, और देखने में और सबको आश्चर्य हुआ देवताओं को। रावण के शरीर से जब मरा तो एक ज्योत निकली और राम में समा गई, सब देवता आश्चर्यचकित हो गए। तो इनको तो राम ने रक्षा करके खुश कर दिया, और उनको कहा चलो तुम विश्राम करो अपने धाम में, जन्म मरण से छूटो। इसलिए राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ईश्वर का अवतार सज्जनों सर्वहिताय है। अवतार, अव अवतार दो पद हैं, और अक्षणे धातु, अवति भक्ता नाम साधु नाम अवति, साधुओं की भक्तों की तो भगवान रक्षा करते हैं, और जो दुष्ट लोग सताते थे जिनसे दुष्टों से रक्षा करना है उनका क्या करते हैं? खतार, उनको तुरंत तार देते हैं, तार टीति तारा, ये लो। अब कहां राम में विषमता रही? समता ही रही। तो सज्जनों, हनुमान जी भक्त हैं, सीता जी से राम कहते हैं कि ये हमारे भक्त हैं, मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है।
भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की इच्छा, ये जिज्ञासु भक्त हैं, मेरे तत्व को जानना चाहते हैं, अर्थार्थी अर्थ नहीं है ये, और कुछ नहीं चाहते, केवल मुझ राम के वास्तविक तत्व निर्गुण निराकार स्वरूप को जानना चाहते हैं। सो तुम बता दो। कहा ठीक है, बहुत अच्छा। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम् स्वरूपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानम स्वप्रकाशोम कल्मषम। दो तीन दिन से इसकी व्याख्या चल रही है, संक्षेप में इसको कह के आगे बढ़ते हैं। हे हनुमान जी, राम जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, संपूर्ण नाम रूप उपाधियों से और माया रूप उपाधि से परे हैं और निर्विकार है, जन्म मरण आदि राम का नहीं होता है, निर्गुण निराकार तत्व का, और ये सब में व्यापक हैं, इसलिए सबकी अपनी आत्मा है और स्वयं प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुण्य विज्ञान बिहाना, अनंत अखंड ज्ञान प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, और हमारा तुम्हारा स्वरूप है। मैंने आत्मा से राम भिन्न नहीं, सब किया जगद आत्मा प्राण प्रिय रामा, सारे जगत की आत्मा राम है और प्राणों से अधिक प्यारे, प्राणों के प्राण, प्राण प्राण के जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सबई, इसलिए अपने आप को तुम राम रूप जानो। हनुमान जी तुम्हारा स्वरूप राम ही है, सब शरीरों में राम ही बैठकर देख रहा है, इसलिए दृष्टा जीवात्मा राम का स्वरूप है। इसको मैंने इसका जन्म ही नहीं होता जीव का, जन्म तो ये खाली शरीरों का मैं करती हूँ, राम की आज्ञा से मैं राम की इच्छा शक्ति हूँ, तो ईश्वर के भी शरीर मैं ही बनाती हूँ, सगुण साकार जो देख रहे हो, और जीवों के भी शरीर मैं ही बनाती हूँ। राम तो मेरी लीला के दृष्टा मात्र है। अब मेरा स्वरूप सुनो, माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यंत कारिणी तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंद्रिता। हे हनुमान जी, अब मेरा स्वरूप भी तुम सुन लो। मेरा स्वरूप क्या है? माम विद्धि मूल प्रकृतिम, मैं मूल प्रकृति हूँ। मेरा काम क्या है? सर्ग स्थित्यंत कारिणी, सृष्टि पालन और संहार, ये संसार को पैदा करना और थोड़े देर रखना, पालन करना और फिर संहार कर देना, ये मेरा काम है। तो क्या ईश्वर के शरीर और क्या जीवों के शरीर, इसी को संसार कहते हैं। संसर्ति संसार और गच्छति इति जगत, ये जो पैदा करती हूँ मैं, मुझ माया में बहुत चंचल हूँ, तो मेरा बनाया हुआ देह इंद्री मन बुद्धि प्राण भी बहुत चंचल है, ये चलते ही रहते हैं, इधर उत्पन्न भय और चलते 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 जवानी आई और फिर चल रहे हैं बुढ़ापे की तरफ, अब मृत्यु की तरफ छाप चल रहे हैं, पहले बढ़ रहे और फिर घट रहे, एक मिनट रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं और चलते चलते नष्ट हो गए। ये खेल है सीता जी का, जो सृष्टि है माया चंचल और उसका कार्य भी देह इंद्री मन बुद्धि प्राण कितने चंचल है, सब चलते ही रहते हैं, और राम तो इनके सबके दृष्टा साक्षी हैं, सब में बैठकर देख रहे हैं, वो अचल है, उनमें चलना नहीं है। तो परंतु एक आश्चर्य की बात यही है कि मुझ माया का, सीता का राम से, मेरे पति राम से कभी संबंध नहीं होता है। तो हनुमान जी कहते हैं, हे मातेश्वरी, पति संबंध बिना किसी भी पत्नी को आज तक पुत्र पैदा करते देखा नहीं गया और सुना भी नहीं गया। अकेली स्त्री पत्नी
पति संबंध बिना कोई संतान पैदा कर दे ऐसा तो देखने में नहीं आता है। अब ये आप तो बड़ी आश्चर्य की बात बताती हूँ कि मुझ माया का मेरे पति माया पति सीता पति से कभी कुछ संबंध नहीं होता राम से। तो ये तुम जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम कैसे करती हो? तो सीता जी कहती है सुनो, तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामि इदम् अतन्द्रिता, इनकी सानिध्य मात्र से सामीप्य मात्र से निरालस्य होकर के सृजामि ये सृष्टि कर देती हूँ मैं। जैसे चुंबक के सानिध्य मात्र से और लोहा में हलचल होने लगती है, छूता नहीं चुंबक, सामीप्य मात्र से, अथवा यो समझो कि वो परम प्रकाश रूप है और मैं अज्ञान अंधकार रूप हूँ, छाया रूप हूँ, जड़ रूप हूँ। इनकी जो प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है तो मुझ में प्रेरणा होती है, सत्ता स्फूर्ति होती है, तो मैं ही मुझ में कंपन होती है और कांपते कांपते मैं ही जगत रूप धारण कर लेती हूँ। इनकी दृष्टि प्रकाश मात्र से, देखने मात्र से, बस इतना संबंध है, इतने इनका देखने मात्र का और दूर दूर का संबंध रहा, बस इतने में मुझ में शक्ति सामर्थ्य आ गई। तो राम का शरीर और इनकी सेना वाले जितने भी देवता हैं उन सब देवताओं को और उधर निशाचर असुर लोग रावण आदि और उनकी सब सेना जितने असुर हैं, इनका ये सब जगत के अंतर्गत हैं। सतगुण की प्रधानता से राम और राम की सेना की रचना करती हूँ और रजोगुण तमोगुण की प्रधानता से मुझ में तीन गुण हैं, ये रावण आदि असुरों को पैदा करती हूँ, ये मेरा काम है। और जितने भी कर्म राम ने किए हैं, राम का शरीर तो मैंने बनाया, इसलिए कर्म सब मेरे हैं। देह इंद्री मन बुद्धि प्राण ये सब कर्म प्रकृति में, प्रकृति उच्च कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशा या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति। आत्मा परमात्मा अकर्ता है, जितने भी कर्म है प्रकृति में ही, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यति। तो आत्मा में कर्तापन नहीं है, राम में कर्तापन नहीं है, ये सब काम तो मुझ में ही है। तो राम के जन्म से लेकर के कुछ काल तक अयोध्यापुरी में रहना, फिर विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, फिर जनकपुर में जाना, धनुष भंग करना, मेरे साज पानी ग्रहण करना, फिर अयोध्या में आना, कुछ काल अयोध्या में रहकर फिर वनगमन या लीला करना, और वनगमन में मुझ माया सी मैं माया तो हुई, मुझ माया सीता का हरण होना और राम का मेरे लिए व्याकुल होना, विलाप करना, अज्ञानता आना राम को। राम को अज्ञानता नहीं है, ये अज्ञानता तो मन बुद्धि की मैं करती हूँ, और राम को दुखी बनाना, अरे ये राम दुखी हो तो आनंद सिंधु वो कहा, ये सब खेल जो विपरीत देखने में आ रहा है सच्चिदानंद से भिन्न, ये कहती मैं करती हूँ। अघटन घटना पटी ऐसी माया, जो न हो सकता हो असंभव हो उसको संभव कर दिखाना, ज्ञान सिंधु अखंड ज्ञान को अज्ञानी बना देना, आनंद सिंधु को दुख के समुद्र में डुबाना, ये सब सीता जी कहते ही ये, नहीं तो मेरा नाम माया ही क्यों फिर, जो ऐसा आश्चर्य का काम ना करूं तो। इसलिए उधर राम रावण का युद्ध भी मैंने किया है, राम ने नहीं किया है, और ये सब कर्म राम के मेरे ही कर्म है। हर जीत सब खेल ये सब मेरा है, राम तो इस लीला के देखने वाले हैं, करता नहीं है, दृष्टा मात्र, और ये सब लीला मैं करती हूँ। और फिर इसलिए लीला में तो सब चाहिए ना, सत्गुणी राम भी चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी रावण भी चाहिए, नहीं तो लीला रामलीला कैसे होगी फिर? और फिर लीला को कोई सत्य मान ले हुए तो वो मूर्ख है। अरे लीला को लीला जानना चाहिए,
कोई रामलीला देखने गए थे, बहुत अच्छी मंडली आई थी ऋषिकेश में, हजारों लोग देखने गए रामलीला देखे, तो कुछ लोगों ने कहा देखो ये राम तो कितने सुंदर है, बाहर से भी और भीतर से भी दयालु कृपालु, सबको सुख ही देते हैं, ये तो बहुत सुंदर है। रावण बड़ा खराब है, भयंकर बाहर से भी है और भीतर से सबको दुख ही देता है, बहुत खराब है। गए मंडली के मालिक के पास में और यही बात कही कि राम तो तुम्हारी मंडली में बहुत अच्छे हैं, पर ये रावण बहुत खराब है, बाहर भीतर से सब दुखदायी कही है, देखने में भी दुख होता है, डर लगता है, इसकी राक्षस है, असुर है, भूत जैसा, बैताल जैसा, पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है, डर लगता है। तो रावण ने कहा राम से और मंडली के मालिक से कि भाई ये रामलीला देखने आए तो मेरा पाठ इनको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा करो तुम अच्छे अच्छे लोग मिल करके रामलीला कर लो, मैं तो जाता हूँ। अब रावण जब जाने लगा तो राम ने कहा भाई आगे फिर लीला तो खत्म हो जाएगी यहीं से, आगे अब रावण नहीं रहेगा तो राम रावण युद्ध कहाँ होगा, तो लीला तो यहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए भैया तुम बड़े भाई हो, ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, छोटा भाई हूँ, अरे बड़े लोग तो छोटे को जिताया करते हैं, हम भी अपने छोटे भाइयों को बालकाल में खेल खेल में उनको जिता देते थे, हम हर जाया करते थे, तो तुम हारोगे इस युद्ध में तो राम की जय जयकार होगी, तो बड़े के लिए क्या है, वो तो बड़ा तो बलवान है, जीता ही हुआ है, छोटे खुश हो जाएंगे, इसलिए रामलीला के लिए तुम जाओ, नहीं नहीं तो आगे रामलीला नहीं होगी। उधर मंडली के मालिक ने कहा भैया ये कोई अच्छे बुरे नहीं है, लीला के लिए एक सब घर के लड़के हैं, गांव के लड़के हैं, लीला के लिए कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया, खत्म हो गया, तो सब एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, इनमें अच्छा बुरा कुछ नहीं। तो सज्जनों इस संसार में कोई अच्छा बुरा देखने लगेगा और किसी से राग करेगा और किसी से द्वेष करेगा तो ये राग और द्वेष स्वयं ही महान पाप है और माया में तो ये रहेंगे ही। जब से सृष्टि भई तीन गुण की भई है तो देवता असुर और मनुष्य सृष्टि हमेशा जब तक रहेगी तब तक ये रहेंगे, इसलिए सुधार अपना करना चाहिए इसमें कि माया को माया जानो, अपने को राम जानो, दृष्टा राम है और दृश्य माया है, खेल समझ के देखो, न किसी से राग करो और न किसी से द्वेष करो। सब में देवता दैत्य मनुष्यों में राम का दर्शन करो, आत्म दर्शन करो, सब में देखने वाला एक है और वो मैं ही हूँ। सब लोग कहते हैं मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, तो सज्जनों तुम ही तो सब में बैठ के देख रहे हो, और देह इंद्री मन बुद्धि तो माया के ये खेल है, खेल तो खेल समझो, तो सत्य तुम ही हो, खेल झूठा नहीं होता, झूठा ही होता है, सत्य नहीं होता। जो कोई इस खेल को सत्य जान लेगा वो दुखी पाप होगा। अपने आप को सत्य जानो, दृष्टा को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महा